नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस की 4 अगस्त के प्रथम प्राली और सारे शिफ्ट के इसके हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। और यहाँ पे पूरे एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे आगे आपके आने वाले एग्जाम में। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को लगा के जाइएगा फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चंस इस टाइप के बेसिस पे आएंगे और इस टाइप की मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग जरूर पढ़ लें इसके। और फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि कैसे टाइप का लेवल है, किस टाइप का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, ना ज़्यादा टफ और ना ज़्यादा आसान। पेपर आपका यहाँ पे एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर यहाँ पे आया हुआ है। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग वीडियो पे नए हैं फ्रेंड्स, वो लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हम जो डिस्कस करेंगे, ये है इजिप्ट की करेंसी। इजिप्ट की करेंसी यहाँ पे क्या थी? इजिप्ट की करेंसी थी इजिप्टियन पाउंड, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में आया था आज की डेट में। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? झाऊ। ऐसे फ्रेंड्स, लोक नृत्य फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट्स के भी और पूछ सकते हैं, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया फ्रेंड्स, उड़ीसा का हो गया। उड़ीसा में फ्रेंड्स 9 से 10 तरह के डांस होते हैं अलग अलग। तो फ्रेंड्स, उन सब चीज़ों आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी बनी थी। कांग्रेस पार्टी में फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी बनी थी। झारखंड का लोक नृत्य छाऊ, इजिप्ट करेंसी इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवांडा किस की राजधानी है? रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी है आपकी किगाली। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम है HCOOH। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से हैं? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से हैं? भारत के राष्ट्रपति हमारे आर्टिकल 52 से हैं। ठीक, आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 से है। ठीक, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से हैं? आर्टिकल 52 से, और आर्टिकल 54 आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है आपका 6 साल। ठीक, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? 1976 में। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? 1976 में। 15वें वित्त मंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। ठीक, कुरील कमचाटका ट्रेंच खाई किस महासागर पे स्थित है? ठीक है, कुरील कमचाटका ट्रेंच खाई जो कि किस महासागर पे आपकी स्थित है, तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, भाषा के आधार पर ये आपका हो जाएगा राज्य आंध्र प्रदेश। लोकसभा का वर्किंग पीरियड क्या है? लोकसभा का वर्किंग पीरियड आपका हो गया 5 साल और राज्यसभा का आपका हो गया 6 साल। ठीक, आगे मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट इज 35 ईयर्स। रिक्रूट ऑफ CAG कौन है? प्रेसिडेंट CAG के रिक्रूट करता है यहाँ पे फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट में CAG कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसके बारे में। NEFT का फुल फॉर्म बताएं आप लोग। NEFT का फुल फॉर्म फ्रेंड्स पूछा गया था क्वेश्चन इसको भी, यहाँ पे इसका NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह फ्रेंड्स और भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे फ्रेंड्स, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा आसान है। ठीक, ओके। बराबर की गुफाएं किस राज्य में हैं? बराबर की गुफाएं किस राज्य में हैं फ्रेंड्स? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ था अभी इस बार 4 तारीख में आया था आज के डेट में। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया गया, बिहार में है। ठीक, आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू कार्यवाहक कौन बना? मतलब कि जो फ्रेंड्स जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब उनकी डेथ हो गई थी, तो फ्रेंड्स कार्यवाहक मतलब PM कौन बना उनके बाद का? उनके बाद आपके गुलजारीलाल नंदा जी आपके PM बने हैं वहाँ पे, जब उनकी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे ये गुलजारीलाल नंदा जी उनकी जगह उन्होंने संभाली थी। ठीक, नील क्रांति कहाँ पे शुरू हुई थी? नील क्रांति आपकी बंगाल में हुई थी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना मतलब कि प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है? उसको, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन एंटर इन स्पेस, जो पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार स्पेस में एंटर किया था वो कौन था? यूरी एलेक्सेविच गैगरिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा था 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपका ये आंसर है लाहौर। ठीक है, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 की ऊंचाई है इसकी। और फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फीयर का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है? ट्रोपोस्फीयर का डिस्टेंस अर्थ से आपका हो गया 8 से 18 किलोमीटर। ठीक, आगे, डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू हाउ, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कैसे हुई थी? तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी आपकी 27 मई 1964 को। इनका शांतिवन, मतलब कि समाधि स्थल कहाँ पे है इनका? शांतिवन में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी आपकी 27 मई 1964 में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका फ्रेंड्स 4 अगस्त का सारे शिफ्ट, पूरे शिफ्ट का, मतलब ये क्वेश्चंस का है, जो कि फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन हम लोग को पता चल पाए, तो हमने फ्रेंड्स इनका वीडियो आपके लिए बना दिया है। फ्रेंड्स, आगे आपको अदर शिफ्ट्स के बारे में भी, फ्रेंड्स सारी शिफ्ट्स की फर्स्ट, मतलब कि 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 1 2 3 4 जब से पेपर स्टार्ट हुआ आपका, सारे शिफ्ट का मैं आपको एक साथ पूरे एक जगह पे शेड्यूल करके दे दूंगा आपको, और फ्रेंड्स उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।